हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने ये मल्टीमीटर दराज से मंगवाया है, इसका हम रिव्यू करवाएंगे आपको। आप देखिए बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है ये। इसको मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ जल्दी से। इसका पैकिंग है बहुत खूबसूरत। हम देखेंगे अंदर क्या क्या है इसमें। ये मल्टीमीटर ZT QB9 सीरीज़ है इसका, बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है। ये इसके साथ होगा और ये इसके ट्रब है। ये इसका सेंसर है। बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है ये। हम देखेंगे सील लगा के इसके अंदर। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने ये मल्टीमीटर दराज से मंगवाया है, इसका हम रिव्यू करवाएंगे आपको। आप देखिए बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है ये। इसको मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ जल्दी से। इसका पैकिंग है बहुत खूबसूरत। हम देखेंगे अंदर क्या क्या है इसमें। ये मल्टीमीटर ZT QB9 सीरीज़ है इसका, बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है। ये इसके साथ होगा और ये इसके ट्रब है। ये इसका सेंसर है। बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है ये। हम देखेंगे सील लगा के इसके अंदर। क्या ऑन हो गया ये, अब इसको हम बंद करते हैं यहाँ से। इसके ट्रैप भी लगा लेते हैं और फिर हम इसके डायोड वगैरह और मॉस्फेट वगैरह चेक करेंगे। ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका आ गया कामन। कामन पे ब्लैक ही लगेगा। ये देखो ऑटो मोड पे चला गया और ये सब कुछ ऑटो वर्किंग करेगा। ये यूनिटी सीरीज से ये बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है। सारा सब कुछ ऑटो है, इस पर कोई चेंज करना नहीं पड़ेगा। और ये इसके साथ सेंसर भी है। सेंसर को मैं साइड पे कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑफ होगा, सी बटन से ऑन होगा। और इसका ग्रिप भी काफ़ी मजबूत है। ऊपर फ्लैश लाइट भी है इसमें। सबसे पहले हम इस पर फ्यूज़ चेक करेंगे। कंटिन्यूटी पे ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक चला जाएगा। कंटिन्यूटी हम इसके चेक करेंगे पहले। ये देखे बजर भी दे रहे हैं, मैंने सही से नहीं पकड़ा हुआ।
इफ यूज ओके बता। इसके बाद हम ये मॉस्फेट चेक करेंगे। यहाँ से कुछ नहीं बता रहा और यहाँ से कुछ नहीं बता रहा। यहाँ से इसकी रीडिंग आ रही है, यहाँ से ऑटो, यहाँ से। तो ये इसका मतलब ये इसका ये मॉस्फेट जो है ये बिल्कुल ओके। अब हम दूसरा मॉस्फेट चेक करेंगे। ये डायोड मॉस्फेट है, इस तरफ से ये ठीक है और ब्लैक इसमें तो ये भी ठीक ही बता रहा है, मॉस्फेट भी ठीक है। इसके बाद हम ये एक लिथियम आयन बैटरी के सेल है वो चेक करेंगे। ये इसका प्लस हो गया और ये माइनस हो गया इसका। एक मिनट ऑटो पे, तो ये देखिए ये बता रहा है, एक मिनट 2.38 वोल्ट डीसी भी साथ में आ रहा है। और इसमें आगे मोड जो है वो देखेंगे, ये कंटिन्यूटी भी है, डायोड भी है इसके। एक मिनट लाइट ऑन कर, ये इससे हम पंखों वाले सील चेक कर सकते हैं, नैनो फेराड, माइक्रो फेराड। और ये इसका आ गया टेम्परेचर और ये आ गया फारेनहाइट में और ये ऑटो। अब हम इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट में लगा रहे एसी, तो ये ऑटो ही बता देगा। ये डायरेक्ट मैंने 220, तो इस वक्त जो वोल्ट आ रहा है वो 210 आ रहा है। अब हम डीसी चेक करेंगे, डायरेक्ट ये ऑटो ही बता देगा सब कुछ। ये देखिए हमारी बैटरी जो है अब 9 वोल्ट चार्ज है। इसमें फेज़ और न्यूट्रल भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ से कि कौन सा फेज़ है और कौन सा न्यूट्रल। तो ये देखिए ये ऊपर कंटिन्यूटी और बजर जो है वो ऑन हो रहा है यहाँ से। अगर हम इस तरफ कर दें तो ये देखिए ये न्यूट्रल है। वायर में भी हम न्यूट्रल और पॉजिटिव आसानी से देख सकते हैं इससे। ये देखें इस तरफ ये पॉजिटिव, अगर हम इस तरफ से कर दें तो ये नहीं बता रहा यहाँ से। अब हम इसके साथ ये सेंसर भी आया हुआ है, सेंसर भी देख लेंगे। इसके आगे सेंसर चेक करेंगे। सेंसर का भी यही पे ये आ गया कॉमन और ये आ गया रेड। सेंसर अभी यहाँ पे ये बता रहे हैं, इसमें
और ये आ गया इसका लाइट। आप हो गया जी, क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी इसका बहुत कम है यूनिटी के मुकाबले में। यूनिटी यूटी 204 प्लस जो सीरीज़ आ रहे है उसके मुकाबले में ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैंने मंगवाई है। अगर आपको भी चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।